स्टूडेंट वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। अभी अभी हम आए हैं एक नागपुर का बड़ा स्टेशन जो कि इधर है कॉटन मार्केट के पास। तो देख सकते हो आप बैक साइड में नागपुर का बड़ा स्टेशन। यह इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ना एक नया कंसेप्ट है जो कि बोल सकते अपन ट्रेन के अंदर हल्दीराम, काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है। देखते आगे देख सकते हो आप, मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड चल रहा हूँ धीरे धीरे। तो ये राइट हैंड साइड में स्टेशन है और उधर साइड लेफ्ट साइड में ये दिख रहे हो आप ट्रेन है। ये मेन एंट्रेंस है रेलवे स्टेशन का, जहाँ से एंट्री बोल सकते हैं अपन फ्रंट ग्रेट। और ये लेफ्ट हैंड साइड में ये जो रखा है इंजन है, ये जो शोपीस के नाम पर रखा है यहाँ पर, देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है और लुक भी अच्छा देता है। तो काफ़ी अच्छा है अपना नागपुर का रेलवे स्टेशन, बड़ा है और दिखने में भी एकदम रॉयल लगता है। और नागपुर आओगे आप अभी की कंडीशन में, ये जो हल्दीराम का ये खुला है जो ट्रेन में, काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये कंसेप्ट। तो नागपुर आओगे तो ज़रूर एक बार ट्राई करना, क्योंकि हमने भी ट्राई किए यहाँ पे जाके। तो ये है हल्दीराम नागपुर का जो कि ट्रेन में है, जो कि अच्छा कंसेप्ट है, जो कि मेरे को बहुत पसंद आया। मैं अंदर भी गया हूँ उसके, अभी दिखाता हूँ आगे। ये मेन गेट है इसका स्टेशन का, और ये थोड़ा सा इधर लेफ्ट हैंड साइड में गई ट्रेन के बैक साइड बोल सकते हैं अपन, ट्रेन का बैक साइड बोल सकते हैं अपन। यहाँ पे सॉफ्टी कॉर्नर है जो जहाँ के अपन सॉफ्टी ले सकते हैं। और थोड़ा सा मौसम का भी ठीक नहीं था अपना, तो थोड़ा सा बारिश लग रही थी। तो ये एंट्री है, अंदर में डाइनिंग रूम है पूरा, जो कि बैठ के अपन वहाँ पर खा सकते हैं। ये अपने लिए भैया दरवाज़ा खुलते देन ये एंट्री है। सबसे पहले आता है यहाँ पे काउंटर राइट हैंड साइड में, ये डाइनिंग है, ये काउंटर है मेन, जहाँ पे पेमेंट वगैरह करना पड़ता है और मेनू वगैरह अपन ऑर्डर दे सकते हैं पार्सल के लिए यहाँ पे काउंटर पे। और अगर आपको खाना है तो उसके लिए आप बैठ सकते हो वहाँ पे, और आपके लिए पास वो डिलीवरी बॉय आएगा खुद और ऑर्डर लेगा, और जब ऑर्डर अपना फिनिश हो जाएगा तो वो खुद अपने पास वो क्या बोलते हो मेनू कार्ड लेके आएगा, उसमें अपना बिल दे देगा। तो ये ऐसा है अंदर का लुक इधर का, और ऐसा लगता है फील कि अपन ना ट्रेन में बैठे हैं और अपन सफ़र कर रहे हैं ट्रेन का, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और अंदर मस्त ठंडा एसी वगैरह एकदम चिल है, और काफ़ी लोग बैठे भी थे यहाँ पे। और ये जो भैया लोग हैं रेड कलर के टी शर्ट में, वो लोग वेटर है। तो ये दही समोसा मंगाए थे हमने, खाने में अच्छा लगा था। वो दिख रहा है छोटी सी खिड़की, वहाँ से वो ऑर्डर बना के देते हैं भैया लोग, और ये वेटर भैया भी अपने को डिलीवरी करते हैं। तो अंकित भाई भी बैठे थे और मैं भी बैठा था, तो वही खाने के लिए बैठे थे हमने, ट्राई करने के लिए बैठे थे कि कैसा है वर्क करके अंदर का। तो ये विंडो वगैरह भी ऐसी लगती है कि अपन ट्रेन में बैठे हुए थे। तो ऐसा अंदर का लुक जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, और बैठने में अलग ही फील आता है वो। अंकित भाई भी अपना शूट कर रहे थे और मैं भी अपना ही शूट कर रहा था, तो मज़ा आया हमको भी अंदर बैठ के, अच्छा फील दे रहा था एकदम। ट्रेन चल रही है और हम खाना खा रहे हैं, ऐसे ही फील हो रहा था। तो चलिए मज़े लेते हैं समोसा देखिए, दही समोसा ही सब जो हमने ऑर्डर किया मेरे साथ में, देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। भैया इंजॉय करने आए हैं मेरे भाई के साथ, बढ़िया से चलो इंजॉय करते हैं। ऊपर से दही समोसा खा लिया हमने, अभी एक सॉफ्टी खाने का प्लान है। अंकित भाई कैसा लगा? कम हो गया क्योंकि मैंने बिल नहीं लिया और मैं डायरेक्ट सॉफ्टी लेने चला गया। चलो पहले बिल लीजिए फिर सॉफ्टी मिलेगी। ये काउंटर से बिल लेके अपन सॉफ्टी लेने जाते हैं, जो कि है थोड़ा सा बैक साइड में, जो ट्रेन का बैक साइड है। ये देखिए भैया जैसे कि सॉफ्टी में डिजाइन बना रहे, सॉफ्टी एकदम बेस्ट क्वालिटी की थी, एकदम मज़ा आया खा के। और ये थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड का व्यू है ट्रेन का, जो कि दिखने में एकदम मस्त लग रहा है। ऐसा लगा अंकित भाई? बहुत बढ़िया, मज़ा आया यही समोसा सॉफ्टी इंजॉय करने में, बहुत ही इंजॉयबल जर्नी रही हल्दीराम के साथ। हल्दीराम के साथ वो भी एक ट्रेन में है, जो कि एकदम नया कंसेप्ट है, एकदम बहुत बढ़िया है। अंदर का इंटीरियर भी बहुत गजब का डिजाइन किया है इन्होंने, और जब देख सकते पीछे में डब्बा है, मतलब ऐसा लग रहा है चलती फिरती ट्रेन है। ट्रेन है अंदर बैठे के तो मज़ा आया कि यार सही में ट्रेन में बैठे इंजॉय कर रहे हैं। आप भी आइए कभी, इंजॉय कीजिए आकर इस जर्नी को, बहुत मज़ा आया। तो चलिए फिर व्लॉग एंड कर देते हैं अभी, है ना अंकित भाई? फिर अभी कहाँ जाते हैं, फिर अभी घर ही जाते हैं, अभी सीधा जाने का टाइम भी हो गया, घर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चलो फिर बाय बाय।